पुशअप्स बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, वार्म अप में भी करते हैं हम लोग, लेकिन जिस दिन चेस्ट करनी है उस दिन आपको पुशअप्स ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि चेस्ट मसल एक्टिव हो जाएगी वेट को लिफ्ट करने के लिए, इंजरी नहीं होगी आपको। कैसे करना है पुशअप्स वो आप वीडियो में ध्यान से देखिए। पूरा नीचे जाना है एंड देन पुश अप, रैप कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ध्यान से करनी है एक्सरसाइज। हाय फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं चेस्ट, एंड चेस्ट मसल में होती हैं दो मसल, पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर। तो ये एक्सरसाइज फ्लैट बेंच है पेक्टोरलिस मेजर मसल के लिए, और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको ध्यान में रखना है अपने बारबेल को अपनी चेस्ट से टच कराना है एंड प्रेस इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे तो ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें, क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल के लिए मतलब चेस्ट की मेन मसल के लिए ये एक्सरसाइज है, और जिसके लिए अधिकतर डिमांड होती है कि हमें चेस्ट में लाइन चाहिए, ऊपर तक लाइन चाहिए, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि डंबल्स को और चेस्ट को नीचे स्ट्रेच करना है एंड देन प्रेस ऊपर पूरा स्ट्रेट हाथ। डिक्लाइन बेंच डंबल चेस्ट प्रेस। तो जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करेंगे उस दिन आपको डिक्लाइन बेंच ज़रूर करना है, क्योंकि डिक्लाइन बेंच में ही आपकी पेक्टोरलिस माइनर मसल दूसरी मसल चेस्ट की कवर होती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। बहुत से लोगों का पूछना होता है कि सर चेस्ट बहुत लटकी लटकी सी रहती है, तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज रामबाण इलाज है। तो दोस्तों जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करें डिक्लाइन बेंच कभी भी आपको मिस नहीं करना है। और कैसे करना है इस एक्सरसाइज को वो आप वीडियो में ध्यान से देखें। क्रॉसओवर मशीन पे बहुत से लोग गलत मारते हैं चेस्ट का वर्कआउट, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जो सीख रहे हैं या फिर बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। कैसे करना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है पीछे और हाथ को पूरा प्रेस करना है चेस्ट मसल से। इंजरी होने से अच्छा है कि आप दो रैप कम कर लें, लेकिन अच्छे से करें। वीडियो में ध्यान से देखिए क्या करना है कैसे करना है। फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई, चेस्ट के लिए फ्लाई करते हैं अधिकतर लोग, लेकिन डंबल्स को कोई कहीं जा रहा है हाथ, कोई कहीं जा रहा है हाथ, गलत नहीं करना है। वीडियो में देखिए चेस्ट को स्ट्रेच करना है, एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखना है एंड ऊपर लाते टाइम आपको चेस्ट से फ्लाई करना है। चेस्ट के वर्कआउट में आपको एक फ्लाई का मूवमेंट रखना ज़रूरी है।